नाम है आपका? गौतम भार्गव। गौतम भार्गव। आपका? आकाश वर्मा। आकाश वर्मा। आपका? कर्नल पाल। तनिष्का सूर्यवंशी। तनिष्का सूर्यवंशी। कौन? तनिष्का। ओके, कौन सी बैच में आप? मतलब ड्रॉपर बैच में हो या फिर ट्वेल्थ में? ट्वेल्थ में हो। आपकी बैच की फीस क्या है? 85। और आपकी बैच में मतलब कितने स्टूडेंट रहते हैं? 60 to 70 स्टूडेंट रहते हैं। और फैकल्टी मतलब जो रहती है मतलब वही रहती है, अभी चेंज कर देते बीच बीच में जो स्टार्ट में मिली थी? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो चेंज करवा सकते। नहीं मतलब मैनेजमेंट के थ्रू कभी चेंज तो नहीं होती बीच में? नहीं होती। मतलब अगर अपने को प्रॉब्लम है तो कर सकते हैं। ओके, और आपके बैच के टेस्ट वगैरह भी हो रहे होंगे तो उसमें क्या स्कोर आ रहा है, मतलब हाईएस्ट क्या आ रहा है? 240 टॉपर का। अच्छा 240 का ही होता था। और अभी 720 अभी नहीं हो रहा है? 21 को है। ओके, और मतलब आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो अभी? ओके, कितना मतलब जो क्लासेस का ड्यूरेशन क्या है? 4:30 to 7:30 है। ओके, और भाई अभी मतलब आप मतलब चारों की फीस सेम लगी थी कि कम ज़्यादा किसी को स्कॉलर भी होता है? स्कॉलर की बेसिस में थोड़ा ऊपर नीचे। अच्छा, और फैकल्टी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किसी फैकल्टी में? क्योंकि मैं अभी इससे पहले भी आया था तो यहाँ बोल रहे थे कि कुछ फैकल्टी अच्छे नहीं मिलते, कुछ अच्छे रहते हैं। और जो लोग अभी न्यू आकाश ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके साथ? करना चाहिए। अच्छा, एलन और आकाश में क्या डिफरेंस है? अब एलन का तो एलन हम जाके नहीं आए तो वहाँ का बता नहीं सकते। कुछ आइडिया फिर भी थोड़ा बहुत? ओके, आपके फैकल्टी का नाम बता सकते हो? कंपलसरी नहीं, कंपलसरी ऐसे पूछ रहा हूँ कि पता हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना टाइम हो गया? 1 month में तो हो जाना चाहिए यार। अच्छा ऐसा है। और मीडियम कौन सा आप लोगों का? इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम के बैचेस भी 12th में है? अच्छा, तो हिंदी में थोड़ा कम मतलब स्कोर होता है कि सेम हो रहा है हिंदी में भी टेस्ट वगैरह में? ओके, और हिंदी मीडियम के फैकल्टी और इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी एक रहते हैं अलग अलग रहते हैं? अच्छा, वो ही रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।